भैया हम हिंदुस्तानी सुधरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं करज जाखड़ आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल करज जाखड़ व्लॉग्स पर। आज है 22 मार्च और है जनता कर्फ्यू। और जनता कर्फ्यू को मैंने कैसे सपोर्ट करा मैं बताता हूँ आपको कुछ ही देर में। सबसे पहले मेरी बिल्ली मुझे आवाज दे रही है, उसको मैं दूध डाल देता हूँ, तो उसके बाद अपन फर्दर बात करते हैं। चलो मैं आपको मेरी बिल्ली के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे दिखाता हूँ जो उसने अभी जन्म दिए हैं, बट अब ढूंढने पड़ेंगे आखिर उसने कहाँ छुपा रखे हैं बच्चों को। आवाज़ें तो आ रही है मगर बच्चे कहाँ हैं? म्याऊं म्याऊं, यहाँ तो देख नहीं रहे हैं। लेट मी सी अपस्टेयर्स। अरे इस कार्टून के अंदर उसने उनको जन्म दिया है। लेट मी दिख रहे हैं प्यारे से बच्चे, दो उसी की तरह हैं, एक उसकी तरह काले हैं और दो ब्राउन हैं, और कितने प्यार से सो रहे हैं वो क्यूट लिटिल किटन्स। जस्ट 2 या 3 दिन ही हुए उनको और उनकी मम्मी नीचे से मुझे आवाज़ दे रही थी कि ध्यान से कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को। मैंने कहा उनको कुछ नहीं होगा भाई, तेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर मैंने जनता कर्फ्यू को कैसे सपोर्ट किया। वेल फर्स्टली मैं सुबह 5 बजे सोया था और अभी जस्ट अराउंड 1 PM हो रहे होंगे और मैं अभी जस्ट उठा ही हूँ। उठते ही सबसे पहले बिल्ली को दूध दिया मैंने अपनी, बिकॉज जब सुबह सोया था तब मैं उसको पिला के सोया था। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सुबह 5 बजे क्यों सोया मैं? एक्चुअली रात को 10 बजे मेरा पूड़ी खाने का मन हो गया, तो मैंने देखा कि मेरे पास वो वाला ऑयल नहीं है जिसमें पूड़ी फ्राई करते हैं, मेरे पास सरसों का ऑयल है, मुझे सोयाबीन ना दूसरा ऑयल चाहिए क्योंकि सरसों में इतना अच्छा बनता नहीं है। तो भैया हम गए ऑयल लेने के लिए रात को 10:15, फिर वापस आए, जितने कुछ काम हो गया तो वो निपटाए, ऐसे करके फिर पूड़ी बनाने का प्रोग्राम चालू किया रात को 12 बजे। 12 बजे चालू किया, फर्स्ट टाइम बना रहा था तो बहुत स्लो बनी, तो पूड़ी और सब्जी दोनों बनते बनते रात की बढ़ गई 1:15, और मैंने 1:30-2 बजे तक खाया। फिर खाने के बाद तो भाइयों नींद आती नहीं एकदम से, तो बस खाने के 2-3 घंटे बाद फिर सो गया। और अब बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे, करनी है पूरी रसोई की सफाई। जी हाँ, बना ली है हमने हमारी कॉफी, पियेंगे पहले कॉफी और फिर स्टार्ट करेंगे घर की सफाई। बिकॉज हम घर रखेंगे साफ तभी तो रहेंगे हम स्वस्थ, अगर हमारा घर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। अब बनाते हैं हम हमारा ब्रेकफास्ट और समय हो रहा है अभी 3:11 दोपहर की। इट्स फनी है, दोपहर में लोग लंच करते हैं, अब हमें ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ आज। चलो प्रक्रिया शुरू करते हैं हमारी पूड़ी बनाने की। Today I'm gonna show you कैसे एक प्रॉपर राउंड पूड़ी बनाते हैं अगर आपको मेरी तरह अच्छे से बेलनी नहीं आती रोटी, तो उसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, यू नो यू विल बिकम एक्सपर्ट, एकदम राउंड बनेगी। उसके लिए लेना है एक ऐसी कटोरी, फिर उस कटोरी को रखना है एकदम यहाँ पे ऐसे, फिर उस कटोरी करना प्रेस,
अब मैंने कटोरी कर दिया प्रेस और इसके आसपास वाले सारे आटे को मैं कर दूंगा निकाल दूंगा। और ऐसे करके मैंने सब कुछ साइड से निकाल दिया। सॉरी, एक हाथ है, अकेला इंसान हूँ तो कैन डू इट परफेक्ट। और ये हमने निकाल दिया और ये हमने अनयूज आटे को रखा यहाँ साइड में और ये हो गया खुल जा सिम सिम, एकदम प्रॉपर राउंड पूरी बन गई। वाह जी वाह, क्या कहना टैलेंट का हमारे। सो आई एम डन विथ मेकिंग पूड़ीस, ये सारी टेस्टी पूड़ीस। और ये अब मेरी सब्जी गर्म हो रही है, चूँकि मैंने रात को बनाई थी एक्स्ट्रा थी तो अब मैं यूज़ ले रहा हूँ इसको। आई एम डन कुकिंग और लाइट आने रही है अभी, सो सॉरी अगर थोड़ा ब्लैकनेस आ रहा है तो इसकी मदद से लाइट करी जा रही है। अब मैं करूँगा अपना ब्रेकफास्ट कह दो या लंच कह दो और फिर थोड़ी देर वापस से जम के सोऊंगा और उसके बाद फिर मैं अपने बचे हुए काम करूँगा। भैया हम हिंदुस्तानी सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सरकार ने बोला कि नो पोल्यूशन साउंड करना है आपको, तो भैया फिर फटाके फोड़ के पोल्यूशन क्यों कर रहे हो ये बताओ ना। घर के बाहर खड़े होके थाली बजाने के लिए बोला था, ना कि फटाके फोड़ने के लिए, पॉल्यूशन करने के लिए। सोचो आज जब पूरा जनता कर्फ्यू है 7 to 9 PM, तो सोचो कितना पॉल्यूशन कम हुआ होगा जब गाड़ियाँ नहीं चली होगी, अर्थ को कितना सुकून मिला होगा, अपने एनवायरमेंट को कितना अच्छा लगा होगा। बट हम ऐसा होने देंगे नहीं भैया, ये तो मतलब हमारे क्या बोलते हैं खिलाफ हो गया कुछ। यार मुझे लगा है ना, चलो ठीक है, ये थाली वाला साउंड एकदम बेस्ट लग रहा है जितना, ये देखो सुनाई दी आवाज, फटाके चार लोग हैं, किसी एक ने चला है तो यूँ हो गया कि भैया हमारे पे आ गए, हम नहीं फोड़ेंगे तो हमारी शान खराब हो जाएगी। एक से चालू हुआ था और अब पूरे शहर में आवाज़ गूंज रही है। फ़ायदा क्या हुआ फिर जनता कर्फ्यू का? कोरोना तो चलो समझ में आया उसके लिए किया गया, मगर दूसरे भी तो फ़ायदे हैं ना जनता कर्फ्यू की वजह से। पॉल्यूशन एक दिन के लिए कम हो जाता, अपनी एयर थोड़ी अच्छी हो जाती, मगर मंजूर नहीं है ना हमें। आई एम वेरी सैड, कहा क्या था और कर क्या रहे हैं। और कुछ वीडियोस पे आते हैं व्हाट्सएप पे कि लोग कर्फ्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। यार वो आपकी और आपके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए किया गया जो भी है। मेरा काम कहना था, अब आपका काम है सुनना है कि नहीं सुनना। Currently it's 5:46 PM of the evening और बाहर क्या औसम नज़ारा है भाई, बारिश हो गई है, बारिश मतलब मदर अर्थ भी इतनी हैप्पी हो गई है। वो कुछ लोगों ने फटाके फोड़े मगर उनसे नाराज नहीं हुई, एंड स्टार्ट रेन। काले काले बादल घर, वाह इट्स गुड, थैंक यू मदर अर्थ, आपने एक चीज़ से मुझे बचा लिया। अब मुझे आपने थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी एक चीज़ के लिए, पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा जैसे कि मदर अर्थ दे रही है। करंटली इट्स 6:30 PM ऑफ द इवनिंग और लाइट्स गई भी हैं,
आज पता नहीं सुबह से बहुत बार लाइट्स आई और गई है। करंटली इट्स यू कैन से कि 8वीं या 9वीं बार लाइट गई है। आई थॉट कि अभी मैं पूरे दिन का व्लॉग एडिट करूँगा, बट सोच ही रह गई, लाइट्स चली गई, अब जब लाइट्स आएगी तब करेंगे व्लॉग की एडिटिंग। लाइट आ गई है, आई होप वापस आ जाए नहीं, बिकॉज 6:30 के बाद भी अभी 9:30 हो रहे हैं और करीबन 3 से 4 बार इस दरवे में चलेगी, तो आज के दिन में 10 से ज़्यादा बार तो लाइट चली गई होगी। 6-7 बार तो चलो ठीक है, 5-10 मिनट के लिए लाइट गई, बट 6:30 के बाद तो भैया लाइट ही ऐसी गई है आधा आधा घंटे के लिए, आती है 5 मिनट फिर वापस गायब जाती है। आई होप अभी नहीं जाए, और लैपटॉप मैंने एक बार फुली चार्ज कर लिया है एंड आई स्टार्टेड द एडिटिंग वर्क ऑल्सो। एज यू कैन सी फाइल ट्रांसफर कर दी है मैंने सारी। एंड ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी और वो आज ही अपलोड करना है 12 बजे से पहले एनी हाउ। चलो इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं, बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सम स्टेट्स आर टेकिंग स्टेप्स फॉर लॉकडाउन। और इसी तरह जैसे आपने जनता कर्फ्यू का सपोर्ट करा, वैसे ही आप लॉकडाउन का भी सपोर्ट करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा।